रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह की जंग इस वक्त छिड़ी हुई है, जंग में निराशा और हताशा के दौर के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की तीसरे दिन बेहद आक्रामक मुद्रा में सामने आए। रूस को उन्होंने साफ साफ संदेश दे दिया है कि वो हथियार डालने वाले नहीं है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ रूसी मीडिया का दावा है कि ज़ेलेंस्की कीव छोड़कर, यानी कि अपनी राजधानी छोड़कर एक दूसरे शहर में भाग गए हैं। यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना को रोका, ये कहा है ज़ेलेंस्की की ओर से। अब ये बड़ा दावा किया गया है कीव पर कब्जा करने से रूस की सेना को हमारी ओर से रोक दिया गया है, जबकि इन सबके बीच ब्रिटेन का ये दावा है कि कीव से, यानी कि यूक्रेन की जो राजधानी है जहां पर महत्वपूर्ण इमारतें हैं, जो दिल कह सकते हैं आप पूरे के पूरे यूक्रेन का, जहां पर राष्ट्रपति की मौजूदगी है, ब्रिटेन का ये दावा है कि उस कीव से सिर्फ 30 किलोमीटर की ही दूरी पर इस वक्त रूस की सेना रुकी हुई है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का ये बड़ा दावा है कि हमने रूस की सेना को कीव में घुसने नहीं दिया और उसे पूरी तरह से रोक दिया। We broke the diplomatic relations with Russia. Ukraine is defending and would not give its freedom, whatever they think in Moscow. For the Ukrainians, our independence and the right to live in our land in accordance with our will. Russia cowardly attacked our country early in the morning, very much like the Nazi Germany did during the Second World War. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу Президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде і далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Всім доброго ранку, українці! Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що, немов я, закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуація. Значить так, я тут, ніякої зброї ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати. Ось і все. Ось це і є те, що я хотів вам сказати. Слава Україні! तो यूक्रेन के राष्ट्रपति में कल हताशा निराशा दिखाई दे रही थी। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि शायद ये मेरा आखिरी वीडियो है जो इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, लेकिन आज बिल्कुल नए अवतार में वो दिखाई देते हैं और उनका ये कहना है कि हमें हथियार चाहिए, वो देश छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले और इस तरह से अपनी सेना का, अपनी टीम का, अपनी जनता का मनोबल ऊंचा करने की उनकी ओर से की जा रही है कोशिश। इन सबके बीच